देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे लेग पीस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस तरह से भाई यहाँ पे सेक रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेका जा रहा है। अरे यहाँ पे कोयले के आँच में ये क्या लगा रहा भाई? ये बटर है। अच्छा ये बटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है, काफी बेहतरीन लग रहा है। और देख सकते हैं घोंगी को लेने के लिए काफी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे घोंगी सबसे बिक रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मोराबादी मैदान में एक केकड़ा देखने को मिल रहा है। ये हर किसी के बस की बात नहीं पकड़ना। और ये देखिए काफी शानदार लग रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 400 रुपये केजी आपको एक केकड़ा देखने को मिल रहा है। किसी को खाने का पसंद मतलब मन पसंद है केकड़ा तो वो खास। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मछली इस तरह से यहाँ पे बिक्री हो रहा है दोस्तों, ये काफी बेहतरीन लग रहा है। मछली कैसे दे रहे हैं अभी? 40 रुपये पाओ। देख सकते हैं यहाँ पे मछली 40 रुपये पाव देखने को मिलेगा। और ये गर्मा गर्मा अभी जलेबी तैयार होकर फिर यहाँ पे बाग में जाएगा तो मिलेगा, जो पूरी लाल होने तक इसको अच्छे से बनाया जाएगा और अच्छी तरह से तल के फिर यहाँ पे उसके बाद ये चीनी का बाग में यहाँ पे चला जाएगा। ये बड़ी क्वान्टिटी में यहाँ पे जा चुका है। हम लोग तो मोराबादी में रहते हैं, मतलब यहाँ पढ़ाई करते हैं, इसीलिए कैसा लगता है जलेबी खाने में? बहुत अच्छा, हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पर खा के जाते हैं। तो मोराबादी का बाजार कैसा? यहाँ देख सकते हैं दोस्तों का बाजार आपको यहाँ पे देखने को, मोराबादी मैदान है और यहाँ पे चीफ एंड बेस्ट यहाँ। स्वागत है दोस्तों आपका ब्लॉग्स में। तो हम आ चुके हैं मोराबादी और मोराबादी में आज दिखाने वाले स्ट्रीट फूड, जहाँ पे स्टिक वाला जो है चिकन खिलाया जाता है, काफी बेहतरीन खिलाया जाता है दोस्तों, और आग में सेक के जो बनाया जाता है वो काफी दमदार रहता है। तो आज यहाँ दिखाने वाला हूँ मोराबादी का, जहाँ पे स्ट्रीट फूड बनाया था काफी बेहतरीन, यहाँ पे लेग पीस भी बनाया था, वो सारा कुछ दिखाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे फिर लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू और दिखाते हैं मोराबादी में जो स्ट्रीट फूड है वो सारा कुछ, और थोड़ा मोराबादी का मार्केट भी आज घुमाते हैं दोस्तों आप लोग। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देख सकते हैं यहाँ पे चिकन कबाब भी सेका जा रहा है दोस्तों, और काफी बेहतरीन तरीकों से इसे सेका जा रहा है। जो भाई यहाँ पे सेक रहे हैं ये देखिए भाई, काफी शानदार लग रहा है। इसमें कैसे पीस देता भाई? ये आपको 30 रुपये सीख है भैया। अच्छा 30 रुपये, हाँ तो कितना सीख रहा था वहाँ पे? ये आपको 5 पीस आएगा। 5 पीस आएगा ना? हाँ। तो लोकेशन बता देगा किसी को अगर आना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा? परमतली चौक मोराबादी। तो दाहिना साइड आपको यहाँ पे मोराबादी मैदान है। हाँ। उसके जस्ट यहाँ पे बगल में आपको देखने को मिलेगा, वाइन शॉप के बगल में आपको देखने को मिलेगा ना भाई? ठीक। तो वाइन शॉप के बगल में देखने को मिलेगा, जो काफी बेहतरीन यहाँ पे सेका जा रहा है ये देख सकते हैं। और ये स्टिक का है भाई, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेक कर रखा जा रहा है। काफी यहाँ पे लेग पीस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इधर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो भाई के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, चूल्हे की आंच में इस तरह से सेका जा रहा है ये देख सकते हैं। कब से ये कर रहा है? ये आपको हो गया भैया 4 साल हो गए। 4 साल से ना? कहाँ से आया था भाई ये? तेरा घर कहाँ है? हाँ मैं पुरुलिया से। पुरुलिया से? बंगाल। बंगाल से। पढ़ाई लिखाई क्या किया है? पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, 10th पास तक। उसके बाद फिर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं? बिजनेस में आ गए। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस पुरिया से आके यहाँ पे इस तरह से बिजनेस सेटअप कर रहा है और कोयले की आंच में इस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना मतलब और भी कुछ रखता है कि सिर्फ चिकन वाला सीख रखता है? अभी फ्रिज में है, मैरिनेट किया हुआ। अच्छा फ्रिज में अब बहुत सारा है ना? हाँ। तो आप पोर्ट कलेजी भी रखता है ना? हाँ। पोर्ट कलेजी कैसे देता है? पोर्ट कलेजी कैसे देता है हमारे भाई? वो भी आपको सेम रेट है। अच्छा तो ये देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे इस तरह का चिकन सीख को सेका जा रहा है, जो काफी बेहतरीन लग रहा है भाई। और इससे खाने के लिए काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो दुकान ओपन कब होता है भाई? कब आना चाहिए? रोज खुला रहता है। देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे सीख को यहाँ पे सेका जा रहा है, जो इसे खाने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं ये देख सकते हैं भाई। ये सीख मात्र 30 रुपये में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 4-5 से 6 पीस यहाँ पे सीख कबाब देखने को मिल रहा है ये देख सकते हैं। जो ये लड़का जो है ना, कितना उम्र कितना हो गया बताए? हो गया 22 साल। मतलब तुम 18 साल से ही ये सीख कबाब बेच रहा ना भाई? तो सीख कबाब खाने के लिए देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगे हुए हैं, काफी लोग यहाँ पे आते हैं। और भाई कब से आप यहाँ पे खा रहे हैं? मैं तो इस मोराबादी मैदान में पिछले 40 साल से हम लोग चल रहे हैं। देवी अच्छा। दयाल मुंडा, हम और जगदीश लोहरा, नरेश यादव, ऐसा लगता है नेता लोग है, ऐसा लगता है यहाँ पे। चमड़ा लिंडा भी हम लोग के साथ है, किशनपुर विधायक है, वो भी यहाँ खाता है। लगता कैसा है? अब ट्राइबल फूड का तो जवाब ऑल ओवर इंडिया में कहीं इसका कोई जवाब है ये नहीं। अच्छा बहुत टेस्ट लगता खाना। वी आर नॉट ट्राइबल, देवी दयाल मुंडा और चमड़ा लिंडा ट्राइबल है, मैं नहीं हूँ। आई एम वी आर फॉरवर्ड बंगाली। हाँ तो वो लोग साथ में पढ़ा है एंड वी लाइक ट्राइबल। ये देखिए रही है। अच्छा ये टिफिन में पैक करके ले गए ना? पैक करके ले जा रहा हूँ। टिफिन में पैक करके देख सकते हैं यहाँ पे सीख कबाब को यहाँ पे पैक करके। ये ब्राउन ब्रेड है, ये घी है। अच्छा वो बटर डाला
और मैं ये सब डाल दिया। अच्छा, ये टिफिन में पैक करके घर ले जा रहे हैं ना भैया? हाँ, घर क्या ले जा रहे हैं, इनफैक्ट माय सिस्टर इन हॉस्पिटल सेंट एबिटा हॉस्पिटल, शी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उनको उनके लिए उनको पसंद है बहुत। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी चिकन को इस तरह से यहाँ पे सीख में डाला जा रहा है जो काफी बेहतरीन लग रहा भाई, और इसे खाने के लिए लोग काफी पसंद करते हैं, और गुद के इस तरह यहाँ पे डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे सीख में यहाँ पे चिकन को इस तरह से गुथा जा रहा है, फिर इसे चूल्हा में जो है ना वो कोयले की आंच में सेका जाएगा, तो यहाँ पे आंच में सेका जाएगा इसको ना भाई, ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे चल रहा है धीरे धीरे, और सारा यहाँ पे चल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कोयले की आंच में आप तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे लेग पीस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इस तरह से भाई यहाँ पे सेक रहा है, कितना बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे इस तरह सेका जा रहा है, और यहाँ पे कोयले की आंच में ये क्या लगा रहा भाई? ये बटर है। अच्छा, ये बटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बटर इस तरह से देखने को मिलेगा, बटर लगाया जा रहा है, तो बटर लगा के फिर इसको अच्छी तरह से बनाया था ना भाई, ये देख सकते काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे बटर लगा के फिर इसे सेका जा रहा है, जो लोग इसे खाने के लिए काफी पसंद करते हैं। और ये क्या कर रहा है भाई? ये आपको कटिंग कर रहा है, अच्छा से पकेगा, अच्छा अच्छा से पकेगा, इसीलिए ना जब बटर अच्छा से अंदर में जाए ना, इसलिए इसको अच्छी तरह से यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं काफी बेहतरीन लग रहा है, और इसे खाने के लिए मोराबादी लोग में आना पड़ेगा दोस्तों, मोराबादी मैदान में जहाँ पे चिकन सीख मिलता है दोस्तों, मात्र 30 रुपये में आपको यहाँ पे चिकन सीख देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं काफी शानदार और काफी जानदार लग रहा है भाई, खाने में काफी टेस्टदार और लाजवाब लगता है, और खास कर ये पुरलिया बॉय है जो पुरलिया माँ के यहाँ पे रांची माँ के आपको इस तरह से बिजनेस सेटअप कर रहा है, जो काफी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से चिकन कबाब आपको सेका जा रहा है, ये देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, खाने में और भी टेस्ट लग रहा है, चलिए इसे खा के देखेंगे और टेस्ट करके बताएंगे दोस्तों कि किस तरह के यहाँ पे चिकन कबाब लग रहा है। सेक के यहाँ कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देखिए काफी शानदार लग रहा है, और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मसाला वगैरह डाल के फिर यहाँ पे बनाया जाएगा, ये क्या डाल दिया भाई? मसाला, उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे मसाला जाने वाला है, ये क्या डाल दिया? प्याज, ये ऊपर से प्याज जा रहा भाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर से ये चाट चुका है, और उसके बाद ये क्या होगा? चटनी है ना, उसके बाद इसको चटनी यहाँ पे डाला जा रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ दोस्तों सीख यहाँ पे रेडी हो चुका है, और सीख हमारे लिए आ चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं, और इस तरह यहाँ पे पत्तल में आ चुका है सीख, ऊपर से देख सकते हैं नमक वगैरह सब डाला रहा है, उसके बाद प्याज वगैरह भी यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए अभी ऊपर से यहाँ तो हमारे पास चिकन कबाब आ चुका है, और जो काफी शानदार लग रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मोराबादी में ही मिलता है दोस्तों, यहाँ मोराबादी में आपको आना है, उसके बाद मोराबादी के जस्ट आपको बाएं साइड में वाइन शॉप है, उसी के बगल में चिकन यहाँ पे सीख का इस तरह से सेका जाता है, जो आग में सेक के यहाँ पे खाया जाता है ना, वो काफी शानदार है, ऊपर से यहाँ पे मसाला वगैरह डाला गया है, तो वो काफी शानदार दिखने में काफी शानदार लग रहा है, चलिए खा के देखते हैं और टेस्ट करके बताते हैं दोस्तों। सुपर लग रहा, सुपर टेस्ट है, जो सेका जा रहा ना वो यहाँ पर थोड़ा सा जलने का ट्रेंड आ रहा है, पर वो है उसका अलग ही मजा है, ऊपर से जो मसाला वगैरह डाला गया ना वो काफी शानदार लगा, मजा आ गया, ऊपर से प्याज वगैरह डाला गया, चटनी वगैरह डाला गया, उसका टेस्ट भी और लाजवाब है जो इसे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मुझे तो काफी टेस्ट लगा, आप आइए एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ का टेस्ट जो कैसा लगा वो कमेंट जरूर बता दीजिए, सुपर टेस्ट, वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, चलिए मोराबादी मैदान घुमाते हैं आप लोग को, और किस तरह का नज़ारा वो सारा कुछ दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मोराबादी मैदान, और मोराबादी मैदान में मार्केट लगता है बुधवार और शनिवार को, तो आज बुधवार है दोस्तों, और चलिए हम लोग मार्केट का एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो सारा कुछ आज जानकारी देते हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पे सीख कबाब भी दिखाएंगे, तो वीडियो शुरू से लास्ट में जरूर देखिएगा, और अभी देख सकते हैं मोराबादी मैदान आ चुके हैं, और इस तरह का आपको लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस तरह का यहाँ पे मार्केट देखने को मिलेगा दोस्तों, ये देख सकते हैं मोराबादी का मार्केट जहाँ पे सब्जी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जड़ा हुआ है, तो नैनवा कैसे देते हैं दीदी? 10 रुपया आपको देख सकते हैं, 10 रुपया 4 पीस आपको देखने को मिलेगा, कद्दू कैसे दे रहे हैं? 10 रुपये पीस, 10 रुपये पीस आपको यहाँ पे कद्दू देखने को मिल रहा है दोस्तों, और ये दिखा भाई कैसा फूलता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे के लिए यहाँ पे किस तरह से देखने को मिल रहा है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बिक्री हो रहा है दोस्तों, जो काफी बेहतरीन लग रहा है। मछली कैसे दे रहे हैं दादी? 40 रुपये पाव, देख सकते हैं यहाँ पे मछली 40 रुपये पाव देखने को मिलेगा, ये कौन सा मछली दीदी? अच्छा चलवा मछली, ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? खरीद के
खरीद के लाते हैं ना, डेम वाला मछली है की? डेम वाला मछली। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको डेम वाला मछली आपको यहाँ पे मोराबादी में देखने को मिलेगा, और तरह तरह का मछली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इस तरह का मोराबादी का मैदान का जो है ना बाजार, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कौन सा मछली है भैया? टेंगरा मछली। कैसे दे रहे हैं? 200 रुपए के जी। तो टेंगरा मछली 200 रुपए के जी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, तो भैया छोटा मछली भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये छोटा मछली भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सब मछली कैसे देते हैं? 30-40 रुपए पाव। 30-40 रुपए पाव। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे मछली का है मार्केट आपको देखने को मिलेगा। इधर 30-40 रुपए इधर पाव आपको छोटा मछली देखने को मिलेगा, जिसे काफी लोग पसंद करते हैं। इसको झींगा मछली बोलते हैं ना? झींगा 100 रुपए पाव। झींगा, ये लोकल झींगा है ना? गैंची 100 रुपए पाव। ये देख सकते हैं, इसको गैंची बोलते हैं? ये वाला गैंची है। ये गैंची है, ये 100 रुपए पाव आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये छोटा मछली आपको देखने को मिल रहा है। और दिखाते हैं यहाँ पे मोराबादी में किस तरह का मेला लगता है। ये देखते हैं यहाँ पे, इसे घोंगी बोलते हैं दोस्तों। ये देखते हैं यहाँ पे घोंगी आपको यहाँ पे देखना। घोंगी कैसे दे रहे दीदी? घोंगी कैसे दे रहे भैया? 40 रुपए किलो यहाँ पे देखते हैं घोंगी देखने को मिलेगा। और मछली इस तरह से बिक्री हो रहा है दोस्तों। मछली कैसे दे रहे भैया? 160 रुपए जी। ये देखते हैं बर्फ वाला है की? हाँ बर्फ वाला है। और बर्फ वाला ही मछली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे मछली को मोराबादी मैदान में खरीदने के लिए देखते हैं किस तरह से भीड़ लगा हुआ है दोस्तों। ये देखते हैं यहाँ पे मछली को अच्छी तरह से यहाँ पे छुड़ाया जा रहा है। ये देख सकते हैं भाई मछली को किस तरह से काटा जा रहा है। काफी बेहतरीन तरीकों से मछली को बनाया जा रहा है, और अच्छी तरह साफ करके फिर यहाँ पे मछली को बनाया जाएगा। फिर यहाँ पे लोग यहाँ पे खरीदने के लिए देख सकते हैं किस तरह से आपको भीड़ आपको देखने को मिलेगा। इस मोराबादी मैदान में जो बाजार लगता है ना, बुधवार और शनिवार को ही लगता है। तो आप लोग डेली लगाते हैं भैया? सिर्फ बुधवार शनिवार को डेली लगाते हैं? डेली लगाते हैं ना जी। तो यहाँ बाजार बुधवार और शनिवार को ही लगता है ना? हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे बुधवार और शनिवार को ही लगता है, जो मछली आपको देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से मछली बनाया जा रहा है दोस्तों, काफी बेहतरीन तरीकों से कटिंग किया जा रहा है। अरे 160 रुपए के जी यहाँ पे मछली देखने को मिलेगा। पूरा फ्रेश फ्रेश मछली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मनपसंद पीस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखते इधर घोंगी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 40 रुपए के जी आपको देखने को मिल रहा है। ये छोटा मछली भी आपको, ये क्या है भैया सबसे डिफरेंट चीज आपको दिखा रहे हैं दोस्तों? ये जिंदा है क्या भैया? अच्छा ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? केकड़ा है ना? जिंदा नहीं ना है? अच्छा कैसे देते हैं ये? 400 रुपए 400 रुपए किलो। ये देख सकते हैं दोस्तों ये केकड़ा आपको देखने को मिलेगा, जो इस मोराबादी मैदान में आपको इस तरह देखने को मिलेगा मार्केट में। इसको केकड़ा बोलते हैं, सबसे डिफरेंट है भाई। और इस तरह का केकड़ा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, जो इस मोराबादी मैदान में मिलता है। ये उसको भून के खाते हैं ना भैया? ये देखते हैं यहाँ पे, ये काफी शानदार आपको यहाँ पे केकड़ा देखने को मिल रहा है। ये देखते हैं ये क्या, कौन सा मछली भैया? चिंगड़ी मछली, बड़ा वाला चिंगड़ी मछली है ना? तो बड़ा वाला चिंगड़ी मछली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कैसे दे रहे हैं चिंगड़ी वाला? 500 रुपए के जी यहाँ पे देखने को मिला। ये 400 रुपए के जी केकड़ा देखने को मिल रहा है। ये देखते हैं भाई कितना शानदार लग रहा है। ये सब आंख आपको देखने को मिल रहा है। इधर छोटा मछली आपको देखने को मिल रहा है, ये देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ बड़ा मछली को इस तरह से यहाँ पे छुड़ाया जा रहा है, और दीदी के द्वारा इस तरह से बनाया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं सबसे डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला, सबसे डिफरेंट यहाँ पे केकड़ा, और उसके बाद इधर घोंगी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। घोंगी कैसे दे रहे भैया? तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मछली को बनाया जा रहा है। और मोराबादी मैदान में जो मार्केट लगता है ना भाई, काफी बड़ा और काफी बेहतरीन मार्केट है। जो मन करे वो यहाँ पे मिलता है खाने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी के लिए यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता है। ये देख सकते हैं मछली को किस तरह से यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों काफी बेहतरीन तरीकों से यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है मछली को। तो देख सकते हैं घोंगी को लेने के लिए काफी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे घोंगी इस तरह से बिक रहा है दोस्तों, जो मात्र 40 रुपए के जी यहाँ पे भैया जी बेच रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ डेली मार्केट लगाते हैं, और ये घोंगी और ये केकड़ा डेली मिलेगा भैया? तो यहाँ पे डेली बाजार के दिन मिलता है ना? तो देख सकते हैं घोंगी अभी इस तरह से बिक रहा है दोस्तों, और ये आँख के लिए सुनते हैं कि बहुत बेहतर रहता है। और सबसे डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोराबादी मैदान में एक केकड़ा देखने को मिल रहा है। ये हर किसी के बस की बात नहीं पकड़ना, और ये देखते काफी शानदार लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 400 रुपए के जी यहाँ मार्केट में देख सकते हैं सब्जी वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। सारे हरा सब्जी यहाँ पे इस मार्केट में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं टमाटर कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए किलो। देख सकते हैं 40 रुपए किलो टमाटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाजर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे चढ़ चुका है। कद्दू वगैरह देख सकते हैं सारा कुछ, शिमला मिर्च, और यहाँ पे देख सकते हैं खस्ता वगैरह सारा कुछ इस मार्केट में चढ़ चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे
इस मोरबादी बाजार में देख सकते हैं जलेबी इस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है जो काफी शानदार लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जलेबी को तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है भाई। और यहाँ पे इस तरह से जलेबी को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे जलेबी का पाग यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते दादाजी यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जलेबी को तैयार कर रहे हैं और इधर जलेबी यहाँ पे बिक रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये देखिए काफी यहाँ पे मस्त है, जलेबी बन के रेडी होने वाला है। कैसे पा देते हैं भैया? 25 रुपए प्लेट। तो 25 पौआ तो 25 रुपए पौआ यहाँ पे जलेबी देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं जो मोरबादी मैदान में आपको देखने को मिल रहा है। और इसे खाने के लिए काफी यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों कि जलेबी को खाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पे जलेबी को बिक रहा है और इस तरह से यहाँ पे जलेबी यहाँ पे डाला जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे जलेबी को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे कपड़ा पे चला गया, उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जलेबी को बनाया जाएगा जो काफी शानदार लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गोलाकार। यहाँ पे जब तक लाल ना हो जाए तब तक इसको तेल में तलिएगा ना भैया, देख सकते हैं जब तक यहाँ पे गोल लाल ना हो जाए तब तक यहाँ पे देख सकते काफी शानदार लग रहा है भाई। जलेबी को खाने के लिए मोरबादी मैदान में किस तरह से लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 25 रुपये पाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जलेबी। खा के भी बताएंगे, टेस्ट करके बताएंगे जलेबी कैसा लगता है। ये देख सकते हैं भाई जलेबी को काफी शानदार लग रहा है, जब तक लाल ना हो तब तक यहाँ पे जलेबी को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा लाल हो चुका है जलेबी, उसके बाद जलेबी को देख सकते इस तरह से उठाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बाबा के द्वारा यहाँ पे जलेबी इस तरह से बनाया जा रहा है। कभी भी मोराबादी आइए ना तो यहाँ का इनका हाथ का जलेबी खाइए, काफी टेस्टदार लगेगा दोस्तों। ये देखिए जलेबी अब निकल के रेडी हो चुका है और ये पाग में जा रहा है भाई। ये देखते हैं चीनी के पाग में जा चुका है, उसके बाद चीनी के पाग में डुबा के फिर यहाँ पे निकाला जाएगा। जो लोग इसे काफी पसंद करते हैं इस जलेबी खाने के लिए। और देख सकते जलेबी इधर निकल के रेडी हो चुका है। ये देखिए भाई कितना शानदार यहाँ पे जलेबी आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक मुंह में पानी आ जाएगा भाई जलेबी को देखने को। ये देख सकते जलेबी बन के रेडी हो चुका है। इस मोराबादी मैदान में इस तरह से जलेबी तैयार किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे गोला, किस तरह से जलेबी को तैयार करने के लिए बड़ा सा कढ़ाई चढ़ाया गया है और गर्मा गर्म तेल में जलेबी को किस तरह से बनाया जा रहा है ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये गर्मा गर्म अभी जलेबी तैयार होकर फिर यहाँ पे पाग में जाएगा, फिर यहाँ पे जलेबी बन के रेडी होगा, उसके बाद जलेबी खरीदने के लिए देख सकते किस तरह से यहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और इस जलेबी का मात्र 25 रुपये पाव आपको यहाँ पे जलेबी देखने को मिलेगा जो पूरी लाल होने तक इसको अच्छी तरह से बनाया जाएगा और अच्छी तरह से यहाँ पे तल के फिर यहाँ पे इस जलेबी को तैयार किया जाता है। देखते दोस्तों ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जलेबी को तैयार किया जा रहा है। ये जलेबी को इस तरह से यहाँ पे लाल होने तक इसको तला जा रहा है। ये देखिए कितना शानदार जलेबी लग रहा है। अरे यहाँ पे देख सकते दादाजी यहाँ पे जलेबी को तल रहे हैं, उसके बाद इधर दादी इधर पेक बेच रही, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से काफी शानदार लग रहा है भाई, पूरा लाल होने तक इस तरह जलेबी को तैयार किया जा रहा है। ये देखिए भाई किस तरह से जलेबी रेडी हो चुका है। उसके बाद ये चीनी का पाग में यहाँ पे चल जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे जा चुका है और ये जलेबी बन के रेडी हो चुका है। कितना शानदार लग रहा है, कितना स्वीटनेस लग रहा है। इसे खाने के लिए लोग यहाँ पे तड़प उठते हैं और यहाँ पे मोराबादी मैदान में आपको इस तरह से गर्मा गर्म देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग जलेबी ले चुके हैं, चलिए इसे खा के देखते हैं, टेस्ट करके बताएंगे यहाँ का जलेबी का टेस्ट कैसा है। और जो यहाँ पे बाबा बना रहे ना यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में, तो जलेबी देख सकते हैं हमारे हाथ में आ चुका है दोस्तों। चलिए इसे टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है ये जलेबी। काफी शानदार है, पूरा मीठा लग रहा है, मजा आ गया खा को। गर्मा गर्म जलेबी खाने का अलग ही मजा है। पर इस मोराबादी बाजार में आप आ सकते हैं और बुधवार और शनिवार को सुपर टेस्ट होगा। मजा आ गया खाकर, कभी मोराबादी आना भाई जलेबी खाना ना भूले दोस्तों। चलिए और भी दिखाते हैं मोराबादी में किस तरह का यहाँ पे
खाना मिलता है और किस तरह का यहाँ पे मजा बाजार लगता है। सुपर लगभग टेस्ट इतना मीठा लग रहा है, लाल करके अच्छी तरह से इसको तला गया है, उसके बाद चीनी के पाक में डाला गया ना, वो काफी शानदार लग रहा है, पूरा क्रंची लग रहा है, मजा आ गया खाके। इस बाजार में घर का सामान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाकू वगैरह कैंची वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लोहे का सामान ताय वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ये मोराबादी मैदान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी मैदान में जो है रोड साइड यहाँ पे बाजार लगाया जाता है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से बाजार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मोराबादी मैदान में। और यहाँ पे चीप एंड बेस्ट यहाँ पे कपड़ा देखने को मिलेगा, कपड़ा कैसे देते हैं भैया, कैसे सूट कैसे दे रहे हैं, कौन सा सूट, सब सूट तो 250, 200, 300 और नाइटी सब 90-150। अच्छा तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे यहाँ पे सामान, यहाँ पे चीप एंड बेस्ट यहाँ पे मोराबादी बाजार में लगता है, वो काफी शानदार लगता है दोस्तों। इस तरह बाजार आपको यहाँ पे शाम के समय में देखने को मिलेगा दोस्तों, जो रोड साइड ही लगता है और काफी ये शनिवार और बुधवार को ही लगता है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से यहाँ पे मार्केट करने के लिए काफी लोग यहाँ पे भीड़ लगाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जलेबी खाने के लिए कहाँ से आई है जलेबी खाने के लिए? हम लोग तो मोराबादी में रहते हैं, मतलब यहाँ पढ़ाई करते हैं, इसीलिए। कैसा लगता है जलेबी खाने में? बहुत अच्छा, हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पर खा के जाते हैं। तो मोराबादी का बाजार कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, मतलब आज तो लॉकडाउन है इसलिए थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे जलेबी का टेस्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा, हम लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं, खा के जाते हैं। क्या नाम हुआ? रवीना कुमारी। काफी हो चुका है, अब वक्त हुआ की हम लोग घर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत मजा आया, यहाँ पे मोराबादी मैदान में जो बाजार लगता है वहाँ पे एक्सप्लोर करने में काफी मजा आया, आप लोग कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दे। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करेगा, चैनल पहली बार दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।